सुजानपुर टिहरा में दिव्यांग बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 40 बच्चों को दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सामग्री भी दी गई और खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसकी अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेकना ने की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों ने न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश के उच्चतम पद पर भी अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि आज वैज्ञानिक युग में हम कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया और कहा कि लोगों को बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं बच्चों के अभिभावकों को खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को प्रतिभा को निखार कर आगे पढ़ने के लिए अवसर निकल रहे हैं, जिसका कार्य माता पिता और गुरुजनों पर निर्भर करता है, जिसके लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि वे समाज में एक अच्छी जगह बना सके। इस अवसर पर खंड प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष सुनील राणा, महासचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष अश्विनी कुमार, अरविंद चौधरी, मनोज कुमार कंचनवाला, अनुराधा राजरानी, मनीष कुमार, स्वरूप चंद आदि अध्यापक, CWSN सोनू शर्मा उपस्थित रहे। सबसे पहले तो जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और आज इतना जो डाइट हमीरपुर यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, छोटी मोटी इवेंट्स हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके अलावा कुछ बच्चों को हमने चीज़ें, ये सारा इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत कार्य किया जा रहा है। हम इन बच्चों को मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा में भी लाना चाह रहे हैं, तो उसी दिशा में एक कदम है कि हम इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को बुलाकर प्रोत्साहित करें और इनको भी अप्रिशिएट करें कि कितना अच्छा संवेदनशील बच्चे हैं, कितने अच्छे से ये अपने काम भी कर रहे हैं, और हमें भी एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि ये भले ही दिव्यांग हैं लेकिन इनकी ऊर्जा और इनका पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे को भी सीखने के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये दिव्यांग बच्चों के लिए आया हुआ है, वो इसमें खर्च करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं और वो पैसा जो है वो वापस कर रहे हैं, परंतु खंड हमारे जो खंड तो समन्वयक श्री सुरेश जी हैं, उन्होंने दो दिन पहले जो है वो एक मीटिंग रखी थी और इसके लिए जो है वो विचार विमर्श किया। जैसा कि हमने आपस में विचार विमर्श किया कि ये पैसा जो है वो किसी कीमत पे वापस जो है वो नहीं जाना चाहिए, और दिव्यांग बच्चों की जैसा भी हो मैडम से अगर हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़े तो हम अनुमति भी ले सकते हैं, और ये खेलें जो हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ पे सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो आज ये सभी के प्रयास से ये खेलें जो हैं वो होने जा रही हैं। मैं इनके पेरेंट्स को, इनके माता पिता को, दिव्यांग बच्चे के जो माता पिता साथ में आए हैं, सरकार ने देखा, आपने भी सोचा होगा इसको दिव्यांग शब्द जो है वो दिया गया है, अब अपांग इनको नहीं बोला जाता है, दिव्यांग बोला जाता है, और दिव्यांग का अर्थ आप सभी जानते हैं, दिव्य जमा अंग मतलब दिव्यांग, वो स्पेशल, वो अगर कोई, जैसे मान लिया अगर कोई टांग से ये है अपांग वो है तो कहना, अक्षम है तो कहने का भाव ऐसा है कि वो उसमें एक विशेष प्रतिभा भी हो सकती है। आप अपने बच्चे को ऐसा ना समझें, जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं उसको, उस बच्चे को अपना एक बोझ ना समझें, उसको बोझ ना समझा जाए, वो बच्चा